नमस्ते छात्रों, आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं भाषा अध्ययन प्रेरणार्थक क्रिया, जो कि 10वीं कक्षा के लिए परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये जो क्रिया है, आपको पता है कि जो शब्द भेद है और उसमें का जो ये क्रिया एक भेद है। तो मैंने लास्ट कक्षा में आपको चार क्रियाएं पढ़ाई थी, तो जैसे अकर्मक थी, सकर्मक थी, उसके बाद संयुक्त और सहायक, ऐसी चार क्रियाएं पढ़ाई थी। और आज हम उसका अगला भेद पढ़ने वाले हैं, जो कि प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, तो इसकी हम परिभाषा जानेंगे। तो जो क्रिया स्वयं नहीं की जाती, यानी कि खुद से नहीं की जाती, बल्कि किसी की प्रेरणा से की जाती है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। एक बार मैं फिर से दोहराता हूँ कि जो क्रिया स्वयं नहीं की जाती बल्कि किसी की प्रेरणा से की जाती है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो इसमें क्या है कि आप ये जो है उदाहरण, रिया पाठ पढ़ती है, एकदम साधारण सा ये वाक्य है, एकदम सादा वाक्य है, जिसमें रिया पढ़ने का काम स्वयं कर रही है, यानी कि पढ़ती, यानी कि पढ़ना इस क्रिया का कर्ता है रिया। कर्ता आपको समझ में आना चाहिए कि कर्ता क्या होता है, जो वाक्य में जो जिस पर क्रिया का असर होता है वो होता है कर्ता। ठीक है, जो वाक्य में काम करता है, यानी कि जो मूवमेंट करता है, जो भी होता है, मेन होता है, वो है री, यानी कि कर्ता। ठीक है, तो जानेंगे हम कि रिया पाठ पढ़ती है, इसमें रिया ये काम स्वयं कर रही है, इसमें कोई दूसरा कर्ता नहीं है। तो ये सादा वाक्य है, ये प्रथम प्रेरणार्थक या फिर द्वितीय प्रेरणार्थक नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रेरणार्थक का अर्थ ही वो होता है कि जो क्रिया स्वयं नहीं की जाती बल्कि दूसरे किसी के प्रेरणा से, किसी के आदेश से की जाती है, वो होती है प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें दो भाग भेद होते हैं, जैसे प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। तो हम आज हम पहले प्रथम प्रेरणार्थक देखने वाले। ठीक है, तो प्रथम प्रेरणार्थक की परिभाषा इस तरह होगी कि जब क्रिया करने वाला एक करता है, काम करने की प्रेरणा एक ही कर्ता से मिलती है, तब उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। फिर से मैं दोहराता हूँ कि जब क्रिया करने वाला एक ही कर्ता होता है, काम करने की प्रेरणा भी एक ही कर्ता से मिलती है, तब उसे हम प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यानी कि जो वाक्य है, वाक्य में से दो से ज़्यादा कर्ता नहीं होने चाहिए, या फिर जो भी कर्ता है वह एक ही कर्ता से प्रेरित होना चाहिए, दूसरे कर्ता से नहीं होना चाहिए। ठीक है, उदाहरण के लिए मैं ये उदाहरण देता हूँ कि माँ रिया को पाठ पढ़ाती है। ठीक है, यहाँ पे रिया जो है माँ के प्रेरणा से पढ़ने का काम कर रही है ना। माँ रिया को पढ़ाती है, माँ जो है रिया को पढ़ा रही है ना। दो ऑलरेडी इसमें दो कर्ता आए हुए हैं, है ना। तो ये इसके तहत, ये परिभाषा के तहत ये एग्जांपल मैंने आपको दिया कि जब क्रिया करने वाला एक कर्ता है ना, क्रिया करने वाला एक कर्ता है। ठीक है, काम करने की प्रेरणा एक ही कर्ता से मिलती है, किससे, माँ से काम करने की ये मिल रही है, प्रेरणा मिल रही है, क्योंकि माँ ने बताया, माँ पढ़ा रही है ना, तो माँ प्रेरणा हो गई है, यानी कि माँ से हमें रिया को प्रेरणा मिल रही है। ठीक है ना, तो माँ रिया को पढ़ाती है, उसके बाद माँ बच्चे को खाना खिलाती है। तो इसके तहत ये जो क्रियाएं हैं, ये क्या है, ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं, है ना। ये क्या है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। जैसे मूल क्रिया इसकी, अगर हम ये पढ़ती शब्द का जो क्रिया है पढ़ना, इसका मूल क्रिया क्या हो जाएगी, पढ़ना, पढ़ना। तो इसका प्रथम प्रेरणार्थक क्या हो जाएगा, पढ़ना, पढ़ाना, प्रथम प्रेरणार्थक, और द्वितीय पढ़वाना। तो इसी तरह क्रिया को प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक में हम
संबोधित कर सकते हैं या फिर उसको उस ढांचे में बिठा सकते हैं। प्रथम प्रेरणार्थक के इसमें अगर ये करना है तो पढ़ना का क्या हो जाएगा, पढ़ना पढ़ाना, और द्वितीय का पढ़वाना। ठीक है, तो ये जो परिभाषा है किसकी, प्रेरणार्थक क्रिया की, और ये है प्रथम प्रेरणार्थक की परिभाषा, और ये कुछ एग्जाम्पल है। ये जो है ये दोनों भी इसमें नहीं आएगा, प्रथम प्रेरणार्थक में भी नहीं आएगा और द्वितीय में भी नहीं आएगा, और ये दोनों भी एग्जाम्पल प्रथम प्रेरणार्थक के है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया के बाद हम जानेंगे अभी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या होगी, तो जब एक कर्ता पर दूसरे कर्ताओं की प्रेरणा रहती है तब उस क्रिया को द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। एक बार मैं फिर से दोहराता हूँ कि जब एक कर्ता पर दूसरे कर्ताओं की प्रेरणा रहती है तब उस क्रिया को द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इसको हम उदाहरण में अगर देखते हैं तो जैसे माँ तनिषा द्वारा बच्चे को खाना खिलवाती है, यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, खिलवाती है। अभी इसमें क्या हुआ है, हमारी यह परिभाषा है और यह हमारा उदाहरण है। अभी हम दोनों को क्या करते हैं, इसका मेल होता है क्या, तो हम देखेंगे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, माँ तनिषा द्वारा, सबसे पहले माँ एक कर्ता, तनिषा दूसरा, और एक यहाँ पे बच्ची, ये तीन कर्ता यहाँ पे आए हैं। अब ये माँ से प्रेरित ये जो कर्ता हो रहे हैं, माँ से प्रेरणा मिली किसको, तो तनिषा को, और क्रिया हो रही है बच्चे पर। ठीक है, क्रिया कौन कर रही है, तनिषा। आदेश किसने दिया, किसने दिया, माँ ने। ठीक है, तो जब एक कर्ता पर, जैसे माँ, ये हो गया एक कर्ता हमारा। ठीक है, जब एक कर्ता पर दूसरे कर्ताओं की प्रेरणा रहती है, माँ से प्रेरित ये दो कर्ता हो गए हैं। ठीक है ना, एक हो गया तनिषा और दूसरा बच्चा। ठीक है, इसलिए इसकी वजह से इसको हम क्या कहेंगे कि ये हो गया द्वितीय प्रेरणार्थक। ठीक है ना, एक कर्ता से दूसरे कर्ता, द्वितीय प्रेरणार्थक, दूसरे कर्ता प्रेरित हो रहे है ना। प्रथम प्रेरणार्थक में एक कर्ता से एक ही प्रेरित हो रहा था, इसलिए प्रथम प्रेरणार्थक। अभी इसमें क्या हो रहा है कि इस पे एक कर्ता से दो लोग है ना, दो लोग प्रेरित हो रहे हैं, है ना, दो कर्ता प्रेरित हो रहे हैं, इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा कि द्वितीय प्रेरणार्थक। ठीक है, जैसे खिलाना, इस शब्द का उपयोग यहाँ पे हो गया हुआ है, खिलवाती है यानी कि खिलवाना है ना, खिलाना खिलवाती मतलब खिलवाना। यहाँ पे मैंने और भी उदाहरण के लिए आपको क्रियाएँ दी है, ये हो गया, ये हो गई आपकी मूल क्रिया। ठीक है ना, ये हो गई आपकी मूल क्रिया। ओके, तो मूल क्रिया, और ये हो गई प्रथम, ये सभी प्रथम प्रेरणार्थक है और ये सभी द्वितीय प्रेरणार्थक है। तो क्या कैसे होंगे, अब हम देखेंगे। देखो, तो भागना, ये मूल क्रिया, भागना प्रथम प्रेरणार्थक, भगाना, और द्वितीय प्रेरणार्थक में आएगा भगवाना, जगना, जगाना, जगवाना। एकदम सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ईजी है, आपको बिल्कुल आ जाएगा 100%, मैं कह देता हूँ। सीखना, सिखाना, सिखवाना। ठीक है, यहाँ पे पीना, पिलाना, पिलवाना। ठीक है, ये प्रथम प्रेरणार्थक, ये द्वितीय प्रेरणार्थक, आप इसको एग्जाम्पल में भी ले सकते हैं। भूलना, भुलाना, भुलवाना, ये हो गया मूल, ये आपका मूल क्रिया, ये प्रथम प्रेरणार्थक और ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। भूलना, भुलाना, भुलवाना। कूदना, कूदाना, कूदवाना। धोना, धुलाना, धुलवाना। छूना, छुलाना, छुलवाना। इसी प्रकार ये क्रिया, इसमें छोटे छोटे थोड़े नियम है, नियमावली हम अगली कक्षा में देखेंगे। फिलहाल ये आप जान लीजिए कि प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक इस प्रकार होते हैं।
तो आपको मैं आशा करता हूँ कि ये प्रेरणार्थक क्रिया जो कि क्रिया शब्द भेद उसमें का भेद क्रिया है और क्रिया के भी जो भेद है उसमें प्रेरणार्थक क्रिया आप सभी को ये समझ में आई होंगी। धन्यवाद।